सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कलमिंग भाई के बारे में। तो कलमिंग भाई अपने स्टोरी पे एक अनरिलीज ट्रैक का स्निपेट डाले थे, आप लोग सुन लो। बचपन से ही काफी ज्यादा ढीठ था मैं, काफी करी गलतियां और उनसे ही सीख क्या मैं वक्त देता मार जिसके नील मेरे जिस्म पे दोस्त कैसे बना था जब बदबू आती बदन से वो सूरज की धूप निखारे बदन गिरे पसीना मैं कैसे रोकू जाने से जब उस पे मेरा हक इनाम मैं विलों में जाते हैं तो चाम भी मत हो श्याम आपकी तलाश में बर्राब किसकी खोज में मोहतरमा। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे हनीपा जी के बारे में। तो हनीपा जी का और एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने एमसी स्टैन भाई, एमयू भाई और बादशाह भाई को लेकर कुछ ऐसा कहा है, आप लोग सुन लो। एक ही बंदा है इस पूरे सीन में जो मुझे समझ में आ रहा है और जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो है एमयू भाई बंटा है। एमसी स्टैन को ही गोना बी द लिल वेन ऑफ इंडिया। देखो भाई, मैंने चक्कर क्या है, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर हिप हॉप बहुत बनाया और मैंने खड़के गलासी एक मेरा गाना था 2005 में आया था, वो एक डांस हॉल बीट थी। उस वक्त में हिंदुस्तान में कोई वैसा म्यूजिक नहीं बना रहा, आई वॉज जस्ट अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एट दैट टाइम। 2007 में मुझे लिखने की थोड़ी सेंस आई, मैंने एक पंजाबी में रैप किया, गाने का नाम है चंडीगढ़ दे नज़ारे ने पट्टे, पंजाब और कनाडा में अच्छा चला था वो गाना। धीरे धीरे मुझे सेंस आई, मैंने हिप पॉप किया, मैंने हिप हॉप नहीं किया ज़्यादा, और एक रैप को कमर्शियल तरीके से प्रेजेंट किया और जिसको लोगों ने पसंद किया। आज जो लड़के कर रहे हैं वो बहुत अच्छा और नया मेन स्ट्रीम हिप हॉप कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो इसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। सबसे सुपर टैलेंटेड एक ही बंदा है इस पूरे सीन में जो मुझे समझ में आ रहा है और जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो है एमयू भाई बंटा है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिज एंट्री इन बॉलीवुड, ही गोना किल एवरीथिंग विद हिप हॉप इन बॉलीवुड, ही इज़ द ओनली गाय हु कैन मेक इट नेक्स्ट लेवल। सो फ्रॉम ऑल दीज बॉयज ही इज़ माई फेवरेट। बेस्ट विशेज हैं एमसी स्टैन को, ही गोना बी द लिल वेन ऑफ इंडिया। जैसी उसकी लुक है और जैसा उसका स्टाइल है, मुझे बहुत लिल वेन जैसी वाइब आती है। और मैं हिप हॉप मतलब मैंने बिग बॉस ज़्यादा देखा नहीं है तो मुझे ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है बिग बॉस के अंदर, लेकिन आई एम गिविंग हिम बेस्ट विशेज कि वो बिग बॉस जीते और बाहर आके बहुत सारी एल्बम्स करे और बहुत कामयाब हो। भाजी इसके अलावा कोलैब का भी काफ़ी चर्चा होती है एंड आपकी और बादशाह भाजी की तो काफ़ी ही चर्चा होती है, तो आप दोनों को कभी एक साथ कोई गाने में हम देख सकते हैं? क्योंकि हाल ही में बादशाह भाजी को भी आपके बारे में पूछा था तो उन्होंने बोला वो तो मेरा भाई जैसा है, तो कभी हम देख पाएंगे आप दोनों को एक ही गाने में? 2023 में तकरीबन 6-7 महीने सिर्फ मेरे सोलो गाने आएंगे क्योंकि मैं कोलैब्स कर रहा था तो फैंस कह रहे थे हमें कोलैब्स नहीं चाहिए, हमें सोलो गाने चाहिए खूब सारे पहले। तो तकरीबन 46 गाने मैंने सोलो बनाए हैं जिसमें से मुझे लगता है कि 20-25 गाने मैं इस साल जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। उसके बाद कोलैब पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ बात चल रही है और जुबिन के साथ मेरा एक कोलैब हो चुका है, मेरे आइडल रहे हैं आज भी हैं अपाची इंडियन सर, उनके साथ मेरा कोलैब रेडी पड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे कोलैब्स हैं जो रेडी पड़े हैं लेकिन वो मैं अपनी एल्बम हनी 3.0 के बाद ही लेकर आऊँगा। और डेफिनेटली अगर बादशाह के साथ कुछ कोलैब करने का मौका मिलेगा तो पुरानी दिनों की तरह हम दिल्ली की सड़कों पे फिर घूमेंगे और फिर गाड़ी में लिखेंगे गाने जैसे हमने गेट अप जवानी लिखा था। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे एमयू भाई के बारे में। तो एमयू भाई का जो ट्रैक आया है अभी ड्रिल, उस ट्रैक ने आप लोग देख सकते हो 3 मिलियन व्यूज पार कर लिया है जो कि अभी भी ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब में। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे हरजस भाई के बारे में। तो हरजस भाई अपने स्टोरी पे एक फोटो डाले थे, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, इसमें लिखा था एक्स कमिंग सून। तो हरजस भाई का जो एक्स एल्बम है वो हम लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, तो अभी देखते हैं वो कब तक आता है। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे मिंटा भाई के बारे में। तो मिंटा भाई का आज जन्मदिन है, तो मिंटा भाई को जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मिंटा भाई अपने स्टोरी पे एक फोटो डालते हुए लिखे थे तेरा घर बार चला जाएगा। सो गाइस इस वीडियो में तो इतना ही, मिलता है सर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।